मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रीवा जोन में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। नरोत्तम मिश्रा ने किसान आंदोलन पर कहा कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत सफल होगी। कुछ ताकतें इस आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जनता को गंभीर होना पड़ेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सबसे पहले जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। उनके साथ सांसद रीति पाठक, विधायक रामलल्लू वैश्य, विधायक अमर सिंह, विधायक सुभाष वर्मा और जिला पंचायत अध्यक्ष अजय पाठक, जिला अध्यक्ष भाजपा वीरेंद्र गोयल मौजूद रहे। भाजपा कार्यालय से निकल कर गृह मंत्री कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने रीवा जोन की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में शिरकत की, जहां संभाग में कानून व्यवस्था और उसके सही संचालन के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मिश्रा ने बताया कि पुलिस विभाग में हमेशा सुधारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह विभाग ही ऐसा है। गृह जेल संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसान आंदोलन पर कहा कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत सफल होगी। कुछ ताकतें इस आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। नहीं, सरकार का तो फर्ज है बात करना चाहिए, हम बात कर भी रहे, बातचीत भी सार्थक हो रही है, जैसा बातचीत करता बता रहे। मेरी मान्यता है कि हल जो किसान है उनसे तो निकल आएगा, पर जो उकसाने का काम कर रहे हैं, जो वहाँ पहुँच गए हैं बिना बुलाए, वे व्यवधान थोड़ा कर रहे हैं। अब ये लोग ऐसे होते ही हैं। नहीं, कोशिश वो किसी भी करण की कर लें, ये वही ताकतें हैं जो CAA के धरना जो शाहीन बाग पे चल रहा था उसके पीछे थी। कमोबेश कुछ लोग उसमें से निकल के इनके पीछे होना चाहते हैं, पर मेरी मान्यता है कि हमारे देश का किसान बहुत समझदार, भीरू और योग्य है। मार्ग निकल आएगा, पूरी तरह से आसान भी थे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।